हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 किलो की बिरयानी बन रही, क्योंकि दानिश के दोस्त आ रहे हैं और छोटा सा फंक्शन भी है घर पे, तो बड़ा वाले चूल्हे पे बन रही बिरयानी। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने दोनों नंदों को दिया है प्याज काटने का काम। ये देखिए, ये चश्मा लगा काट रही है, ये चश्मा उतार के काट रही है। क्या करा भाई, क्या करी तू? कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बिरयानी का मजा? अच्छा लगा? कमेंट करने वाले जो होते हैं ना, नंदे ने छोड़ दिया प्यारी भौजाई को, बैकग्राउंड में कोई जानता नहीं है क्या हाल है। मेरा हश्र देखिए, आंखें छुपाई, आंसू बहते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अकेली भाभी खाना बनाती है। ये मुंह तो दिखाया, प्याज दिखाओ कितनी कटाई है। और है, और है, इसमें से कितनी ले गई है, अभी तल दिया इसमें से। लगे रहो काम पे सब लोग। ओके गाइस, तो अभी यहाँ बन रही है बिरयानी, और बिरयानी आज हमारे यहाँ अलग चूल्हे पे बन रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिरयानी बनानी थी, लाइक 5 किलो की बिरयानी बन रही, तो नॉर्मल गैस पे तो नहीं बन सकती, तो इस वजह से ये बन रही है। तो 5 ही किलो की तो है बे, तुम अपना लो। ये देखो बिरयानी बन रही है, माँ बैठी बनवा रही, कहीं मिर्चा ना हम ज़्यादा डाल दें। इस वजह से मिर्चे से बड़ी एलर्जी है इनको। शमा की दुनिया ये है। जब बता, तुम वीडियो क्यों नहीं बना रही है? पिछली वीडियो में बहुत कमेंट आ रहा था, बात कर रही है, बात कर। बताओ क्या तुम वीडियो क्यों नहीं बना रही हो? क्योंकि मेरा मूड नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, हमें डॉक्टर ने मना किया मोबाइल से दूर रहने को कहा है, इसलिए। माँ आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मेरी सास छिपी, मिर्चा कम डालना बिरयानी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता है क्या हुआ, मैं कलर खोल रही थी, जिससे ढक्कन खोली, कलर पूरा छटक के, मतलब कि पूरा फ्लोर पे आ गया, तो वो गंदा हो गया और उसको साफ करना पड़ा। रंग किसने गिराया ये बता दो? शमा ने गिराया। मैं छुट्टी रही थी, मुँह काला हो जाए। हम इसे गिरा था। और अभी बिरयानी हो गई, अभी मैं जा रही हूँ उसको मिलाने, मतलब में एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल जब मैंने बिरयानी बनाई, फिर उसके बाद इतने सारे मेहमान आ गए, सबको खाना खिलाना, और मैं बता नहीं सकती, कल का दिन इतना ज़्यादा बिजी था तो मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई। उसके बाद आज जो है, आज मेरे यहाँ महफिल थी, महफिल में समझ रहे हैं मिलाद, जिसको बहुत से लोग मिलाद बोलते हैं, बहुत से लोग महफिल बोलते हैं, तो वो था हमारे यहाँ मिलाद स्टाइल महफिल थी। और आज का दिन इतना ज़्यादा हैक्टिव हो गया कि मैं वो भी नहीं शूट कर पाई, मिलाद भी नहीं शूट कर पाई, ठीक है। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया माशाल्लाह से, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं बैठ के व्लॉग बनाऊँ। और आज ना मैंने फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में किया, मेरा बहुत दिल था कि मैं कुछ इस टाइप में इनसे करूं, और मुझे ना ये सब चीज़ें मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो मायके का हो चाहे वो ससुराल में। ससुराल में मैंने फ़र्स्ट टाइम मिलाद मनाया है, और मतलब महफिल मनाई है, और क्योंकि मुझे आइडिया नहीं होता था ना यहाँ के लोगों का, फिर मैंने लोगों से पूछा कि ठीक है करते हैं, तो बोले हाँ हाँ ठीक है करो करो मज़ा आएगा, तो हम लोगों ने ना किया, मतलब हम मतलब मेरे पूरी फैमिली, मैंने फैमिली में आके बोला, बोले हाँ तुम्हारा दिल है तो तुम करो, तो किया। और आज का दिन सच में बहुत बिजी था, सबको नाश्ता कराना, सबको मतलब सबके लिए जो है लड्डू वगैरह बांटने के लिए लाना, और सजाना घर, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया आज का दिन। और वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, और आज मैंने ये वाला सूट नहीं पहना था, मैंने पहना था येलो कलर का सूट, और उसके साथ मैंने ये वाली चूड़ी डाली हुई थी, और ये मैंने सोने का झुमका पहना हुआ था, क्योंकि
मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि थोड़ा बहुत पहना करो सोना, ठीक है। मैंने हाँ ठीक है, मेरा दिल भी हो गया कि हाँ ठीक है आज झुमका पहन लेते हैं। वैसे मेरे पास ना इसमें का एक इस सेम डिज़ाइन का एक और झुमका मैंने लिया, बड़ा है वो, लेकिन वो मतलब कि ऐसी नहीं अच्छा लगता है, जब कहीं शादी वगैरह में अच्छा लगता है तो अभी कभी इंशाल्लाह पहनूंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। और मेरी चूड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मुझे, उसके बाद मैंने चेंज कर लिया, जब मिलाद ख़त्म हो गया तो मैंने चेंज कर लिया और मैंने ये राजधानी का सूट पहना, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। बहुत आजिज करते हैं यार, बहुत ज़्यादा आजिज करते हैं, और आज का दिन तो सच में बहुत ज़्यादा थकावट वाला था। आज मेरी डाइटिंग मेरे मियाँ ने तोड़वा दी, बहुत तेज गुस्सा आया, कसम से बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था, ललचवा ललचवा के मेरी डाइटिंग तोड़वा दिया। अपना तो कर नहीं पाते, अपना तो तोड़ देते हैं, मेरी भी तोड़वा दिए, लेकिन हमने उतना नहीं खाया, बहुत खाया होंगे 600 कैलोरी खाई होगी ना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पिए थे और शाम को हमने उसे तोड़ दिया डाइटिंग। कोई नहीं, काश कि हम रोबोट पैदा हुए होते, काश हमें चलना ना पड़ता, काश ऐ काश ऐ काश। बहुत अच्छा हुआ। मेरे इतनी तेज पैर में दर्द हो रही, लेकिन मेरे मियाँ किसी चीज में हेल्प नहीं करते हैं। और क्या, और क्या, जितना हम हेल्प करते हैं कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता उतने। एक अब बोलने नहीं देगा, अभी देखिए कैसे बात करेगा, कैसे बोलेगा। जितना क्या है, हमने मना किया था फोन नहीं चलाएंगे, ऑन कैमरा कह रहे मारेंगे, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, ये क्या करते होंगे। इतनी सीधी बीवी पाके, हमारे जैसी बहू पाके इनके घर वालों को शुक्राने की नमाज अदा करनी चाहिए, इतनी अच्छी बहू पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी साग बराबर, वही वाला हाल है। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं गाजी की बोतल लगाने, भूखा है बच्चा मेरा। मेरी सास के दिमाग में जो चीज चढ़ जाए, एक दौर था कि मेरी सास को क्राइम पेट्रोल बहुत पसंद था, रातों दिन सिर्फ क्राइम पेट्रोल देखती थी, क्राइम पेट्रोल। फिर सोचते थे यार अल्लाह ये कितना क्राइम पेट्रोल देखती हैं। और अभी मेरी सास को न्यूज़ की लत पड़ गई, दिन रात सिर्फ डिबेट, न्यूज़ 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 न्यूज़। मेरा दिमाग ख़राब हो गया न्यूज़ न्यूज़ सुन के, कि गाजी की तबीयत अब ठीक है कि नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। नहीं ठीक है, क्या हुआ ये तो बता दो। खांसी आई साई। अभी भी खांसी आ रही है, और क्या हो रहा है? चश्मा भी इची हुई है। यहाँ पे इचिंग हो रही है? नहीं वहाँ पे। कहाँ पे? वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे पैर में इचिंग हो रही है, और इधर आओ और तक। हाँ दिखा दिया हमने, दिखा दिया, लेटो तो। और क्या तकलीफ है ये तो बताओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी हो चुकी है सुबह, सुबह सुबह अब्बू अम्मी आ गए हैं और उनको नाश्ता पानी कराया, और अब क्योंकि आज अब्बू की फ्लाइट तो अब्बू जा रहे हैं वापस और दुबई, और मुझे ना अब्बू को करानी शॉपिंग, तो चलिए आपको ले चलते हैं अब्बू को, अब्बू के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं सीधे नज़ीराबाद, मतलब अमीनाबाद, वहाँ पे मिलेंगे आप। ओके गाइस, तो अभी हम और अब्बू जा रहे हैं शॉपिंग करने। अब्बू बहुत लंबे, मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा अब्बू के पास। तो अभी अब्बू को दिलाने आए शूज़, और अब्बू को कुछ सामान चाहिए तो वही लेना है। तो अभी सबसे पहले जा रहे हैं बाटा, उसके बाद देखते कहाँ जाना है। तो पापा को ले गई थी बाटा। अब्बू को ले गई थी बाटा, अब्बू को कुछ नहीं पसंद आया बाटा में, और बोले यहाँ ये सब चोचले बाजू वाले जूते हैं, हमें कहीं और ले चलो। तो अभी अब्बू को जनपद लेकर आई हूँ, जनपद। तो अब्बू को जनपद की मार्केट दिखाऊंगी आज यहाँ पे, देखते हैं
आपको कुछ अनुभव में मिलता है कि नहीं कुछ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन है, बहुत महंगा है महंगा है। कह रहे महंगे की फिक्र ना करो ना करो ना करो, महंगा है। परंतु हम जो विचार कर रहे हैं तो वो उपलब्ध नहीं है। आपको को पता नहीं कैसा चाहिए, अल्लाह जाने इनको कौन सा जूता चाहिए। हम जो चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। एक पसंद भी आया उसमें साइज नहीं मिला आपको को, तो अभी जनपद आए हैं, देखते हैं जनपद में मिलता है कि नहीं। लेना लेकिन आज भी फाइनली गाइस मेरे अब्बा की शॉपिंग हो गई, शॉपिंग हो गई शॉपिंग। अब्बा ने लिया अपनी थोड़ा सा अपना पर्सनल यूज का सामान लिया और शूज लिया। अब्बू को बोल रहे हैं कि खा लो कुछ भी खा लो, पर अब्बू गए पीने में जलन हो रही है खा के, तो आज अब्बू को निकलना। चलिए कुछ खा लीजिए अब्बू, हाँ डोसा खा लीजिए। हाँ डोसा मसाले वाला, हाँ ये होटल में। हाँ अरे तू हाई फाई नहीं, हाई फाई अबू को ये टेंशन है कि हम हर जगह हाई फाई ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या इनको प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोती महल, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोती महल, अबू को खिलाएंगे मसाला डोसा फिर घर निकलते हैं। दाढ़ी काली कर लेते अब्बू। हाय अब्बू, दाढ़ी काली कर लेते। दाढ़ी काली करे आपका बॉस कहेगा कि सबे सबे दाढ़ी लेकर आए वहाँ। मेरे अब्बू थोड़ा कम सुनने लगे। बोलेंगे कुछ तो सुन नहीं रहे। अब्बू सुनाई पड़ रहा है आपको क्या? क्या सुनाई पड़ रहा? सुन ही नहीं रहे। बोलिए, ये सब बना के कहाँ डालो यूट्यूब पे? मेरे अब्बा कम सुनते। बोलिए ये आ गया आपका मसाला डोसा। ये मसाला डोसा है। यस ये है मोती महल का मसाला डोसा, और आज अब्बू आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि ये मसाला डोसा कैसा है। ये नारियल की चटनी अब्बा। बहुत ही ये सब क्या है काटे काटा ये सब? अरे अब्बू ऐसे हाथ से खाओ सब नोटेशनों को। काटी ना काटा, अल्लाह ने हाथ दिया इसे खाओ। इस तो अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये बादाम मिल्क है तो अभी यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मिठाई भाई के लिए। ये पैक हो रही है भाई की मिठाई, क्योंकि मेरे भाई को मीठा बहुत पसंद है, तो बुरा है बोला है 5 किलो आना लाना, और अब्बू बोल रहे हैं 5 किलो नहीं जाएगी। लेकिन अब्बू को ले जाना पड़ेगा, ये निकालो अब्बू। और ये इंडिया से अच्छी मिठाई कहीं नहीं मिलती, क्यों भैया है ना? नहीं मिलेगी। इंडिया बेस्ट है मिठाई के मामले में, इंडिया तो हर मामले में बेस्ट है। खजूर कितनी खजूर खाएंगे भैया आप बताइए? खजूर खा खा के थक जाएंगे ना, बोर हो जाएंगे। बोर हो जाएंगे खजूर खा के। ओके तो गाइस मिठाई उठाई खरीदने के बाद रास्ते में मुझे हजरतगंज में ही दिख गया बंदर, तो मैंने इसको मूंगफली खरीद के दिया, क्योंकि अब्बू को मूंगफली भी लेना था और ले जाना था, तो इत्तेफाक से हजरतगंज में ही मिल गया। नज़ीराबाद में नहीं गई थी, हजरतगंज ही गई थी। ठीक है तो अभी सीधे मिलते हैं आपको घर पर, क्योंकि अब्बू को भी लेट हो रहा है, शाम को निकलना है अब्बू को, तो सीधे मिलते हैं आपसे घर पर। दे बुब्बू, अबू के जाने का टाइम हो चुका है, अबू बस एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे अबू हो रहे रेडी,
अबू अपना पासपोर्ट वगैरह सब चेक करे। ओके गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अबू जा चुके हैं, बहुत मेरे बहुत अजीब सा लग रहा है। सबके पैसे रख देना, तुम नहीं खाते अब नहीं खाते पहले खा ले। खुदा हाफिज अब्बू। ओके गाइस, अब्बू चले गए हैं और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और ठीक है, इंशाल्लाह फिर अब्बू बकरीद में बोले, बकरीद में आ जाएंगे अब्बू। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।